Hello guys, welcome back to the another video of Airbus Boys. If you want to become a part of aviation industry, then आपने सही वीडियो सेलेक्ट किया है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। Before starting a video, I want to thanks टू ऑल ऑफ़ यू गाइज़, बिकॉज आपकी वजह से हमारे ओ जी टी वाले वीडियो पे 10+ K व्यूज़ आए हैं। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करें। ऑल्दो देयर आर सो मेनी जॉब्स अपॉर्चुनिटी इन एविएशन लाइक पायलट, केबिन क्रू, फ्लाइट डिस्पैचर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। दिस वीडियो आई एम गोइंग टू ओनली डिस्कस अबाउट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्स। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या क्या डिफरेंट उनके स्ट्रीम्स होते हैं कोर्स के, क्या क्या डिफरेंट सब कैटेगरी होते हैं आपके लाइसेंस के, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग लाइसेंस के, क्या क्या उनके प्रिविलेज होते हैं, उन लाइसेंसों के क्या प्रिविलेज होते हैं उनके बारे में बताएंगे, और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर जो पर्सन होता है वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होता है आपके एयरक्राफ्ट को एयरवर्दी रखने के लिए। सो बेसिकली ये जो कोर्स होता है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग जो कोर्स होता है वो होता है 2 साल का। सो देयर आर 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस कोर्स। फर्स्ट वन, इफ यू वांट टू गेट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग लाइसेंस यू मस्ट हैव पास 10+2 इन PCM, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट ऑफ इट। एंड द सेकेंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज applicant shall be at least 18 years of age. So there are 2 streams in this course. There are 2 streams in this course. First one is mechanical and second one is avionics. So mechanical, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि वो जो mechanical का person होगा, जो mechanical का जो candidate होगा वो deal करेगा आपके aircraft के exterior surface से, structure से, जितने भी मैकेनिकल टास्क होंगे उनसे वो डील करेगा। जबकि एवियोनिक्स जो होता है वो कम्बिनेशन होता है, वो एवियोनिक्स जो वर्ड है वो कम्बिनेशन होता है एविएशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, मीन्स वो डील करेगा सारे इलेक्ट्रिकल, एवियोनिक्स का जो कैंडिडेट होगा वो डील करेगा सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जितने भी वॉट एवर जो भी हो, लाइट्स हो, जो कुछ भी हो, उनके मेंटेनेंस को वो डील करेगा। According to CR66, aircraft maintenance license are included 5 major categories, that is category A, category B1, category B2, category B3 and category C. And further category A and category B1 are further classified in 4 subcategories, that is category A1, A2, A3 and A4, and also B1, B1.1, B1.1.2, B1.1.3. B1.4। सारे कैटेगरी के अपने अपने प्रिविलेज होते हैं। अगर आप कैटेगरी ए के लाइसेंस होल्डर हो तो आप इशू कर सकते हो CRS आफ्टर माइनर शेड्यूल लाइन मेंटेनेंस एंड सिंपल डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन विद इन द लिमिट ऑफ मेंटेनेंस टास्क जो आपके लाइसेंस में लिखा हो। अगर आपके पास B1 का लाइसेंस है तो आप CRS इशू कर सकते हो और सपोर्ट स्टाफ की तरह भी काम कर सकते हो उन मेंटेनेंस टास्कों पे जो एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर में परफॉर्म किया जाए, एयरक्राफ्ट के पावर प्लांट में परफॉर्म किया जाए, या मैकेनिकल किसी भी पार्ट पे अगर परफॉर्म किया जा रहा है तो आप उस केस में उसके लिए सपोर्ट स्टाफ प्लस आप उसके लिए CRS इशू कर सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रिकल का वर्क कर रहे हो तो सिर्फ उस केस में आपको सिंपल डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन करना है। जैसे आपका सिंपल डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन में मैं आपको बताऊं तो बाइट होता है, बिल्ट इन टेस्ट इक्विपमेंट होता है, उसमें आपको चेक करके केवल इतना बताना है कि आइदर ये कंपोनेंट सर्विसेबल है या नहीं। आप उस पर कुछ ट्रबल शूटिंग नहीं कर सकते अगर आपके पास B1 का है तो आपको इतना ही करना है केवल कि आपको सर्विसेबल है या नहीं है, ये आपको बताना है उस केस में। सो अगर आपके पास B2 का लाइसेंस है तो आप इशू कर सकते हो CRS ऑन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एवियोनिक सिस्टम
पे अगर आपने मेंटेनेंस किया तो उस केस में आप उसके लिए CRS इशू कर सकते हो। किसी भी कैटेगरी के लाइसेंस को अचीव करने के लिए आपके पास दो मिनिमम रिक्वायरमेंट होने चाहिए। पहला, उस कैटेगरी के सारे मॉड्यूल्स क्लियर होने चाहिए। दूसरा, उस कैटेगरी में आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जितना एक्सपीरियंस मेंशन किया गया आपके CR66 में। सो तब जाके आपको उस कैटेगरी का लाइसेंस आपको मिलेगा। एंड नाउ देयर आर सम टॉपिक्स जिनका सिलेक्शन अगर आपने सही से नहीं किया तो ये आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकती हैं। सिलेक्शन ऑफ कॉलेज। किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट करने से पहले अपने माइंड में दो बातों का ध्यान रखें। पहला, कि उस कॉलेज में कौन से कैटेगरी की ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरा, उस कॉलेज का किस कंपनी के साथ टाई अप है जो आपको ट्रेनिंग के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देगा। इन दोनों बातों का होना ज़रूरी है क्योंकि मे बी हो सकता हो कॉलेज का ट्रेनिंग कहीं और से हो बट वो आपके कैटेगरी के अनुसार ना मिलता हो तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आप किसी और कैटेगरी का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ले रहे हो बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसी और कैटेगरी का लोगे आप तो वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। तो मेक श्योर करें, उन्हें कॉल करें, उनसे पूछें कि आपके पास कौन कौन से कंपनी से टाई अप है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए। सिलेक्शन ऑफ स्ट्रीम। सिलेक्शन ऑफ स्ट्रीम की बात करें तो वो डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर कि आप कौन से स्ट्रीम को पसंद करते हो। आपको मैकेनिकल वर्क पसंद आता है या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क पसंद आता है तो उस हिसाब से आप अपना स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। स्ट्रीम सिलेक्शन के बाद आपके पास दूसरा टॉपिक जो आता है वो आता है कैटेगरी सिलेक्शन का। अगर आप स्ट्रीम में एवियोनिक्स स्ट्रीम को सेलेक्ट करते हैं तो ऑब्वियस है आपको कैटेगरी B2 लेना पड़ेगा। अगर आप मैकेनिकल करते हैं तो मैकेनिकल में आपके पास कई ऑप्शन आते हैं, कैटेगरी A, कैटेगरी B1, कैटेगरी B3। सो सिलेक्शन के टाइम पे आप खुद को एनालाइज़ करिए कि आपको किस पे वर्क करने पे आपको अच्छा बेटर फील हो रहा है। ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपको हेलीकॉप्टर का एक्सपीरियंस चाहिए, आप हेलीकॉप्टर के ऊपर वर्क करना चाहते हो तो उसके लिए कैटेगरी अलग होगी, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में मेंशन कर दिया था। अगर आपको एरोप्लेन पे काम करना है तो उसके लिए कैटेगरी अलग होगी। तो सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि आगे चल के ये फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो जिस पे भी आपका इंटरेस्ट हो, आइदर हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन, तो उस हिसाब से अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करें।